हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि लोकेटेड है पंजाब में। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन कौन से रेलवे जोन में आता है, कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है रेलवे स्टेशन पे कौन कौन सी ट्रेनें रुकती है, टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, वाईफाई फैसिलिटी, फूड स्टॉल फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखें। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PTK। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे। नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है रेलवे स्टेशन फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पे। 10 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट करती है, 14 यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और 14 ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होती है। अगर आपने भी कोई एक्सप्रेस या लोकल ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से पकड़ा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। रोजाना 50,000 से भी ज्यादा यात्री इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। रेलवे स्टेशन वेल मेंटेन है। रेलवे स्टेशन से इंडियन रेलवे को अच्छा खासा मुनाफा होता है। रेलवे स्टेशन पे बेसिक सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, फुट ओवर ब्रिज, एसी एंड नॉन एसी रूम। 3 प्लेटफॉर्म है। तीनों प्लेटफॉर्म में फूड स्टॉल एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है, टॉयलेट फैसिलिटी और भी बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल है यात्री लोग के लिए इस रेलवे स्टेशन पे। चलिए आपको कुछ एक्सप्रेस या लोकल पैसेंजर ट्रेनों के नाम बताता हूँ, जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपने भी कोई एक्सप्रेस या लोकल पैसेंजर ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से पकड़ा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। जम्मू तवी एक्सप्रेस, पठानकोट सुपर फास्ट एक्सप्रेस, अमृतसर पठानकोट पैसेंजर, जलंधर सिटी पठानकोट पैसेंजर, संबलपुर एक्सप्रेस, अनदर एक्सप्रेस ट्रेन एंड लोकल पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती हैं। अगर आपको भी कुछ एक्सप्रेस एंड लोकल पैसेंजर ट्रेनों के नाम पता है जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर कार या बाइक से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन के बाहर में पे पार्किंग एरिया अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर में 24x7 ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑटो फैसिलिटी अवेलेबल है एंड आप कैब भी बुक कर सकते हो इस रेलवे स्टेशन के बाहर से। अगर रेलवे स्टेशन के बाहर में आपको रहने के लिए कोई रूम चाहिए तो 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने के लिए आपको बेहतरीन रूम मिल जाएगा, वो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर। रेलवे स्टेशन पर खाने पीने का सुविधा बहुत सारा अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन पर आपको कोई भी समस्या है तो आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेल्प ले सकते हो, रेलवे एम्प्लॉय का हेल्प ले सकते हो, यहाँ के लोकल लोगों से मदद ले सकते हो, लोग अच्छे आपकी मदद कर देंगे। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।